श्री श्री नरसिंह बांध बालाजी धाम बनपुर की ओर से 21वां श्री श्री बालाजी महाराज का विशाल हनुमान ध्वजा पद यात्रा 8 जनवरी को बनपुर में निकाला जाएगा। इसे लेकर बनपुर के नरसिंह बांध स्थित बालाजी धाम में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। गुरुवार को धार्मिक अनुष्ठान के पहले दिन 24 घंटा अखंड रामचरितमानस रामायण पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पाठ किया। वहीं रामचरितमानस रामायण पाठ से पूरा इलाका भक्ति के रंग में रंग गया है। इस संबंध में बालाजी धाम के प्रमुख संतोष भाई जी ने विस्तार से जानकारी दी। नरसिंह बांध बालाजी धाम के तत्वधान में पंच दिवसीय श्री बालाजी महाराज हनुमान ध्वजा पद यात्रा का महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि 5 जनवरी से श्री रामचरितमानस पाठ शुरू हो चुका है। कल 6 जनवरी दोपहर 2 बजे श्री रानी सती दादी जी का मंगल पाठ, शाम को 6:30 बजे से भजनों की अमृत वर्षा, 7 तारीख दोपहर 2 बजे से संगीतमय सुंदरकांड का पाठ और 7 बजे से भजनों की अमृत वर्षा, 8 तारीख को हनुमान ध्वजा पद यात्रा जो कि श्री नरसिंह मान बालाजी धाम से शुरू होकर के बाली मैदान, शिव स्थान, चित्रा कोट, बुराई रोड होते हुए वापस श्री नरसिंह मान बालाजी धाम पहुँचेगी। इस बार विशेष रूप से राजस्थान से झांकी आ रही है, रांची से भी कई प्रकार की झांकी आई है, जो कि झांकी का विशेष केंद्र आकर्षण का केंद्र रहेगी। और महात्माओं में अयोध्या के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम जन्मभूमि के संत श्री धर्मादास जी महाराज आ रहे हैं, तुलसी पीठाधीश्वर आ रहे हैं, जगत गुरु रामानुजाचार्य वासुदेवा विद्या भास्कर जी महाराज अयोध्या से आ रहे हैं, वृंदावन से जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट कराया उनकी 18वीं पीढ़ी महामंडलेश्वर महाराज जी वो भी पधार रहे हैं, संत श्री आत्मानंद जी सरस्वती महामंडलेश्वर जी वो पधार रहे हैं बम्बई से,